व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रजाखान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। ये है रियलमी 10 प्रो प्लस और इसमें कुछ नई फीचर्स और कुछ नए टिप्स बताऊंगा जो काफ़ी ज़रूरी है और आप लोगों का सवाल भी फिक्स करूंगा। तो एक भाई ने सवाल किया था कि भैया डार्क मोड में क्या होता है कि आइकॉन और वॉलपेपर दोनों ही डार्क चल जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें उसके लिए। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, प्ले में जाना है, डार्क मोड में जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो डार्क मोड सेटिंग है इसमें आके ये सारा चीज़ को ऑफ कर दीजिए। जैसे डार्क मोड वॉलपेपर, यहाँ पर आइकॉन है, उसको रिड्यूस लो लाइट और सारा कुछ कर दीजिए, तो आपका क्या है, डार्क मोड में भी आपका जो वॉलपेपर है वो डार्क नहीं लगेगा, जैसे अभी डार्क नहीं लग रहा है। तो ये वाला फीचर्स को यूज़ करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं डार्क मोड को इस तरह से हटाकर। चलिए दूसरा फीचर्स के बारे में बात किया जाए, तो एक ज़बरदस्त फीचर्स और सेटिंग है कि अक्सर आप किसी के घर में जाते हैं और वो वाईफाई देता है, ठीक है, आपके फ़ोन को लेकर, लेकिन पासवर्ड नहीं बताता, आपको दे देता है, तो आपका कनेक्ट तो हो जाता है फ़ोन, लेकिन आपको पासवर्ड भी चाहिए क्योंकि दोबारा नहीं मांगना आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से वाईफाई में जाना है। जैसे हम जा रहे हैं वाईफाई में, जाने के बाद इसके सेटिंग में जाइए और जैसे मेरा ये वाला वाईफाई है, ठीक है, ये वाला वाईफाई कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आई में जाना है, क्लिक करना है, शेयर वाला में क्लिक करना है। शेयर में जैसे क्लिक करेंगे और लॉक खोलेंगे अपना, तो यहाँ पर उसका पासवर्ड नज़र आ जाएगा, जैसे मेरा पासवर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा पासवर्ड देख के क्या करेंगे, अभी हम चेंज कर लेंगे, लेकिन बता दे रहे कि इस तरह से आप पासवर्ड देख सकते हैं और मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया। उसके बाद एक और ज़बरदस्त फीचर्स आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेटिंग में गए और यहाँ पर लिखना है प्राइवेसी, ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेसी में आ जाएंगे, प्राइवेसी लिखेंगे, प्राइवेसी में आ जाएंगे, अब यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग आएगा। इसमें आने के बाद आपको एक चीज़ दिखाता है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में आपको आना है और ऊपर में देखिए एंड्रॉयड सिस्टम इंटेलिजेंस, इसमें आने के बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पर क्लियर डेटा, इसको आप सेट कर दीजिए 24 घंटे में या लास्ट आवर में। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप ब्राउजिंग वगैरह यूज़ करेंगे या कुछ भी आप यूज़ करेंगे, तो आपका जो भी पासवर्ड डाले हैं या कुछ भी आप ऐसा फाइल वगैरह को सर्च किए हैं, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर कोई हैक करना चाहेगा फ़ोन को आपके पासवर्ड के जरिए, तो नहीं करेगा, क्योंकि कीबोर्ड का जो भी सेटिंग वगैरह है, जो भी मतलब फाइल वगैरह है, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये काम करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहीं पर एक चीज़ दिया गया है, प्राइवेसी डैशबोर्ड, इसमें आपको जरूर आना है और यहाँ पर चेक करना है कि 24 आवर में आपका क्या क्या सिस्टम में जो चीज़ है, जैसे माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर दिखा दिया, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैमरे में जाकर आप चेक कर लीजिए कि कैमरे में भैया कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो आपका बैकग्राउंड में कैमरा यूज़ कर रहा है, चेक कर लिए। उसके बाद नीचे आके कॉल लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आके चेक कर लीजिए कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो कॉल लॉक को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर फ़ोन में 11 ऐप है जो फोन का एक्सेस को यूज कर रहा है, ठीक है, जिसमें से बजाज फेंसिप का उनको जरूरत नहीं है लेकिन ये यूज कर रहा है और जो डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर वो चाहेगा लोन देने के लिए और हो सकेगा कि उसके पास एक्सेस होगा हमारा एक्सेस करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ओटीपी जैसा आएगा तो वो ओटीपी डाल सकता है, तो उसको हम डोंट अलाउ कर देंगे। तो इसी तरह से आप लोग सिक्योर रहने के लिए क्या करिए कि आप जो भी मतलब दिया हुआ है, जैसे म्यूजिक का जरूरत नहीं है डायल को, हमको देना ही नहीं है, तो वहाँ पर हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद IRCTC इसको रहने दीजिए, IMO वगैरह को रहने दीजिए, यहाँ पर और भी है, ओला को डायल का ज़रूरत है, बाकी रियलमी की है, रियलमी देखिए ये सब कुछ जो जिसको ज़रूरत है ठीक है, नहीं है नहीं हटाओ। यहाँ पर देखिए वो इसको भी ज़रूरत नहीं है डायल का, तो हम हटा दिए भैया क्योंकि अपना यूनियन बैंक का है, ठीक है। तो इस तरह से आप हटा लीजिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जैसे हमको वाईफाई से यूज़ करना है लेकिन मोबाइल नेटवर्क से यूज़ नहीं करना, तो उसका दो तरीका है। पहला तो है कि आपको इस तरह से दाब के रखना है, इसका ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पर डेटा रिस्ट्रिक्शन देखिए यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर डेटा यूजेस ये वाला जो है यहाँ पर वाईफाई में रखना है या मोबाइल डेटा में रखना है, किस में रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आपको सारे ऐप का देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाईफाई में जाना है, इस तरह से इसके सेटिंग में जाना है, वाईफाई में जाएंगे, सेटिंग में चल जाएंगे, उसके बाद यहाँ सेटिंग में जाएंगे, मोर सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए वाईफाई डेटा यूजेस, इसके अंदर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने एक महीने में कितना वाईफाई यूज़ किया है डेटा, तो वो दिख जाएगा, जैसे
मेरा देखिए 200 GB तक हम डेटा यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में खाली। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए नेटवर्क एक्सेस यहाँ पर आएंगे तो आप नेटवर्क का जो एक्सेस है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अल्फारेड कैमरा, इसमें अगर हम चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं या मोबाइल दे सकते हैं या वाईफाई दे सकते हैं। उसी तरह का बजाज फैंसिव को भी हम मोबाइल डेटा देंगे या फिर नेटवर्क देंगे, कौन सा देंगे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा ऐप है जिसमें आपको नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है लेकिन वाईफाई स्लो चल रहा है या फिर बहुत लोग कनेक्ट है और आपका मोबाइल डेटा भी है, तो यहाँ पर डुअल एक्सेलरेशन करके एक फीचर्स है। देखिए डुअल चैनल नेटवर्क ये वाला आएगा, यहाँ पर खाली डुअल लिखेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 ऐप है जिसको ये एक्सेस दिया है कि मोबाइल का वाईफाई और मोबाइल डेटा एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहे। उसके बाद एक ज़बरदस्त फीचर्स है कि आपका Realme 10 Pro Plus या आपका फ़ोन Realme का हो, Redmi का हो, किसी का भी ब्रांड का हो, होता क्या है कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाता है। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे अबाउट फोन में जाएंगे और स्टोरेज में जाएंगे तो स्टोरेज देखिए 128 GB में भरा हुआ है, लेकिन फ़ोटो है ना, वीडियो है ना कुछ है, तो आपको देखना है यहाँ पर क्या भरा हुआ है। जैसे देखिए 10 GB का फोटो है, वीडियो 4 GB का है, लेकिन APK फाइल जो है 2.3 GB का है जो APK हमने इंस्टॉल नहीं किया है। देखिए नॉट इंस्टॉल, इतने सारे APK है जो नॉट इंस्टॉल है, तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, मतलब क्लियर कर दीजिए। दूसरी चीज़ है ऐप देखिए यहाँ पर 40 GB का है। अब 40 GB का आप देखेंगे, थोड़ा देर ऐसे रहने दीजिए इसको, उसके बाद क्या करिए 3 डॉट में क्लिक करिए। जैसे शो सिस्टम आएगा, शो सिस्टम में क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, देखिए BGMI 3.3 GB लिया हुआ है, टेलीग्राम 2.9 लिया हुआ है, व्हाट्सअप 2.8 लिया हुआ है, जियो सिनेमा लगभग 2 GB लिया हुआ है, तो इसको हमको ज़रूरत नहीं, हम क्लियर कर देंगे। तो अभी ये कितना एकदम कम हो जाएगा, देखिए 113 MB का, तो इतना जगह खाली हुआ। उसी तरीके से दूसरे भी ऐप है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से करिए तो आपका जो स्टोरेज है वो क्लियर रहेगा और मस्त चलेगा फ़ोन वगैरह। इसके बाद एक और फीचर्स है जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है कि इसको और इसको एक साथ अगर कनेक्ट करना है भैया तो कैसे करेंगे। तो देखिए Realme में दिया हुआ वो चीज़, सेटिंग में आइए, लास्ट में आइए, लैब में आइए और वहाँ पर डुअल और मोड ऑडियो, इसको बस क्लिक करना है दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के बाद। जैसे ही कनेक्ट करेंगे और कुछ भी देखेंगे तो इसमें भी सुनाई देगा, मतलब 3.5 mm जैक वाला जो है हेडफोन उसमें भी सुनाई देगा और वायरलेस इसमें भी सुनाई देगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर डिटेल वीडियो हमने कर दिया है, वो जाके आप देख लीजिए। यही कुछ सेटिंग थी इस वीडियो में, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी काम का लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।